हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, बुलेट की पूरी सीरीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस तरफ खड़ी दोस्तों बुलेट 350X, बीच में खड़ी है बुलेट 350 स्टैंडर्ड, एंड ये आप लोग जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बुलेट 350 इलेक्ट्रा। ये दोस्तों आज इस वाली वीडियो में आप लोगों को इन तीनों ही बाइक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इन तीनों में से कोई सी बाइक लेनी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दूंगा। एंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। एंड चैनल पर आप लोग नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट फटाफट से। दोस्तों ये है तीनों ही बुलेट 350, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है बुलेट 350 का स्टार्टिंग वाला वेरिएंट, जो दोस्तों अब कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पे खड़ा हुआ मिल रहा है, जिस भाई ने ये वाली बाइक बुक कराई हुई है उसको ये वाली बाइक की डिलीवरी भी जानी है, तो ये इस वाली वाला वेरिएंट अभी खड़ा हुआ है। ये दोस्तों बुलेट 350X, जो कि हम KSV के नाम से जानते हैं, किक स्टार्ट। एंड इसमें हमें दो कलर जो है देखने को मिलते थे। ये दोस्तों हमारी स्टैंडर्ड, जो कि लाखों लोगों की जान है। ये दोस्तों बुलेट 350 स्टैंडर्ड का एक ही कलर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर। एंड ये दोस्तों हमारी बुलेट 350 इलेक्ट्रा ES, इसमें अभी हमें तीन कलर देखने को मिलते हैं। एक आता है ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ठीक है। ये है ब्लैक कलर वाला वेरियंट। एंड इनमें से दो जो वेरियंट है दोस्तों, ये E20 वाले वेरियंट है, क्योंकि अब बुलेट 350 में सिर्फ हमें दो ही वेरियंट देखने को मिला करेंगे, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा। जो X है ये कंपनी ने बंद कर दिया है, एंड इसके अंदर आप लोगों को E20 भी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इधर की तरफ बाकी आप लोगों को यहाँ पे E20 देखने को मिलेगा इस पे भी, एंड इधर की तरफ आप लोगों को इलेक्ट्रा पे भी जो E20 है वो देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये वाले दो वेरियंट दोस्तों आ रहे हैं, एंड ये वाला वेरियंट अब बंद कर चुकी है कंपनी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि लकीली यहाँ पे तीनों वेरियंट जो मेरे को खड़े हुए दिख गए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो हो जाए आज। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, इन तीनों मॉडल्स में 95% स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंसेस आप लोगों को मिलेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को इनकी फटाफट से स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो दोस्तों तीनों ही मॉडल्स में आप लोगों को फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी 280mm की, ट्यूब टायर आप लोगों को मिलेंगे। जो टायर साइज मिलेगा वो 90x90 19 इंचेस का आप लोगों को मिलेगा, फ्रंट बैक दोनों ही, आगे के पीछे के दोनों टायर आप लोगों को 19 इंचेस के मिलेंगे। एंड जो इंजन मिलेगा वो तीनों ही बाइक में बिल्कुल सेम आप लोगों को मिलेगा, 346cc का इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स सब आप लोगों को इसके अंदर बल्ब वाली दी जाएगी। डिफरेंस आप लोगों को ये मिलेगा कि इसके अंदर आप लोगों को जो बुलेट 350X है, इसके अंदर आप लोगों को ऑरेंज कैप में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे ब्लैक कलर के, स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्रोम इंडिकेटर मिलेंगे ट्रांसपेरेंट में, एंड इधर आप लोगों को दोस्तों, एंड इलेक्ट्रा में आप लोगों को जो इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं वो आप लोगों को अगेन ब्लैक कलर के मिलेंगे ऑरेंज कैप में। तो ये आप लोगों को इनका जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। फ्रंट से आप लोग इनकी लुक जो है तीनों की चेकआउट कर सकते हैं। तीनों ही बाइक्स में आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, तीनों में ही रियर में आप लोगों को 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं एक बार तीनों की आप लोगों को रियर से लुक एक बार चेकआउट कराया, तो दोस्तों आप लोग एक बार रियर लुक इनकी देखिए जरा। ये आप लोगों को इनकी तीनों की रियर लुक जो देखने को मिलती है, पीछे से देखने में कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगती है दोस्तों बाइक। तीनों ही बाइक में बिल्कुल सेम टेल लाइट जो है यूज की गई है, एंड तीनों की नंबर प्लेट आप लोगों को ब्लैक कलर की मिलती है। बाकी तीनों ही मॉडल्स में जो टैंक की शेप है वो बिल्कुल सेम आप लोगों को मिलेगी। तीनों ही मॉडल्स में आप लोगों को 30 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। जो टैंक में आप लोगों को ग्राफिक्स है वो थोड़े बहुत अलग मिलेंगे, मोनोग्राम आप लोगों को अलग अलग मिलेगा। अब मैं आप लोगों को इनके सबसे पहला चेंजेस है वो दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं KS के बारे में। इसका आप लोग एक बार जरा फ्यूल टैंक देखिए, इसमें आप लोगों को बिल्कुल प्लेन फ्यूल टैंक मिला करता था दोस्तों। इसमें आप लोगों को जो रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग आप लोगों को मिलती थी दोस्तों, जो लोगो आप लोगों को मिलता था वो स्टिकर में देखने को मिलता था, बिल्कुल सिंपल सोबर सा आप लोगों को मिला करता था। इसमें भी दो कलर आते थे दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक सिल्वर एंड एक आप लोगों को ब्लैक कलर इसमें मिला करता था। बाकी बात करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, तो ये है दोस्तों बहुत सारे लोगों का फेवरेट टैंक जो आप लोगों को मिलता है दोस्तों। एंड ये है दोस्तों स्टैंडर्ड का फ्यूल टैंक जो आप लोगों को मिलता है दोस्तों। एंड इसमें आप लोगों को जो लाइंस मिलती है ये हैंडमेड मिलती हैं। E20 का आप लोगों को यहाँ पे जो मोनोग्राम है वो देखने को मिल जाएगा, जो उसका मोनोग्राम है रॉयल इनफील्ड का, ये आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा आप लोगों को क्रोम में देखने को मिलता है। बाकी आप लोग इसकी अगेन जो लाइन है आउटलाइन ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके का आप लोगों को इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एंड ये है दोस्तों इलेक्ट्रा का फ्यूल टैंक जो आप लोगों को प्लेन ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे आप लोगों को 3D में रॉयल इनफील्ड का जो सिल्वर कलर में ब्रांडिंग है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी आप लोगों को E20 की जो स्टिकरिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा जो फ्यूल टैंक है वो ज़्यादा बढ़िया लगता था तीनों में से। आप लोग देख सकते हैं तीनों का फ्यूल टैंक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 में जो मेन डिफरेंस है वो मेन सिर्फ और सिर्फ फ्यूल टैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चाहे आप ये वाला फ्यूल टैंक देख लीजिए, चाहे आप ये वाला देख लीजिए, चाहे आप ये वाला फ्यूल टैंक देख लीजिए, तीनों का फ्यूल टैंक आप लोगों को बता सकते हैं किसका बढ़िया आप लोगों को लग रहा है। अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस के बारे में, जो कि है दोस्तों इंजन को लेके। तो देखिए जो स्टार्टिंग होती थी जो KS वाला वेरियंट आता था बुलेट 350X में, इसमें आप लोगों को ड्यूल टोन कलर में इंजन देखने को मिलता था। आगे आप लोगों का सारा की तरफ यहाँ पे दोस्तों ब्लैक कलर का मिला करता था आप लोग देख सकते हैं। एंड ये आप लोगों जो साइड कप्स होते हैं ये आप लोगों को क्रोम मिला करते थे। दूसरी साइड से भी मैं इसकी लुक आप लोगों को दिखाना चाहूँगा।
ठीक है। इसके अलावा एक और चेंज साथ ही मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मिलता था, वो था कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट मिला करता था, ठीक है, इसमें सेल्फ नहीं आता था। बाकी ये जो आप लोग देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड, इसके अंदर भी हमें सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट मिला करता था, एंड जो उसका इंजन है वो कम्प्लीटली क्रोम आप लोगों को मिलता था, ठीक है, इसमें कहीं ब्लैक वगैरह आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी साइड से भी आप लोग इसके इंजन की लुकआउट चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो हमारी थर्ड बाइक है इसमें आप लोगों को जो इंजन मिलता था वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का आप लोगों को मिलता था। इस साइड से भी आप लोग इसका इंजन देखेंगे भी आप लोगों को कम्प्लीटली ब्लैक मिलता है। बाकी दोस्तों जो इलेक्ट्रा फेमस है वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को किक एंड सेल्फ दोनों ही देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है एंड किक भी आप लोगों को मिलती है। तो दोस्तों ये तीनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को बस यही डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, बाकी सारी बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है और ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा इन तीनों ही मॉडल्स के अंदर। बाकी इन तीनों ही मॉडल्स की प्राइसिंग आप लोगों की स्क्रीन पर लिखी आ रही होगी, बाकी आप लोग इनकी प्राइसिंग देख सकते हैं। मेन जो इनका डिफरेंस रहता है वो फ्यूल टैंक को लेकर रहता है एंड इनके इंजन के कलर को लेकर रहता है एंड इनके प्राइसेस को लेकर रहता है, बस ये डिफरेंस रहता है। बाकी चलने में बिल्कुल सिमिलर है, फीचर बिल्कुल सिमिलर है, लुक बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड की टंकी इलेक्ट्रा में लग जाएगी, इलेक्ट्रा की टंकी जो टैंक है वो स्टैंडर्ड में लग जाएगा, तो हाँ बिल्कुल लग जाएगा, वो भी आप लोग इसमें कर सकते हैं, कोई इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। और तीनों ही जो मॉडल्स है दोस्तों एफआई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, तीनों ही BS6 है, तीनों में आप लोगों को एथलेटिक कन्वर्टर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, तीनों ही सेंसर वाली बाइक है जैसे आप लोग देख सकते हैं। बस यही डिफरेंस आप लोगों को मिलता है जो मैंने बताया, इंडिकेटर्स के डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, इंजन के कलर का मिलेगा, टैंक की शेप का मिलेगा एंड टैंक के जो ग्राफिक्स होते हैं उनका मिलेगा, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।